स्टूडेंट, स्वागत है आपका फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कंपनी को पासवर्ड देकर लॉक करना। कंपनी ऐसे लॉक होगी कि कंपनी का नाम तक नहीं दिखाई देगा, कंपनी को ओपन करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे। रुको जरा, सबर करो। ये आप देख पा रहे हैं हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन है और इस समय टैली ओपन है। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि टैली में कंपनी को पासवर्ड देकर कैसे लॉक किया जाता है। तो कंपनी को पासवर्ड देकर लॉक करने के लिए सबसे पहले मैंने एक कंपनी ओपन की हुई है जिसका नाम है फ्यूचर एंड कंपनी। इस कंपनी को मैं पासवर्ड देकर लॉक करके दिखाऊंगा। तो कंपनी को पासवर्ड देकर लॉक करने के लिए कीबोर्ड में Alt F3 वाली बटन प्रेस कीजिए। Alt F3 वाली बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद आप अल्टर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी कंपनी ओपन होंगी वो सीरियल से आपकी कंपनी दिखाई दे रही है। फिर जिस कंपनी को पासवर्ड देकर लॉक करना है उसको सिलेक्ट करके इंटर की प्रेस करेंगे तो वो कंपनी ओपन हो जाएगी। कुछ ऐसा उसका इंटरफेस दिखाई देगा। अच्छी बात बोली। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप नीचे करते हुए आएंगे, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। तो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का क्या यूज होता है, यदि आपको अपनी कंपनी पासवर्ड से लॉक करनी है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। वाई लिखकर इंटर करेंगे तो ये यस हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर नेम दे दीजिए, तो मैंने एक नाम दे दिया, कोई भी एक नाम मैं ले लेता हूँ, मैंने अपना नाम ले लिया। इसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर बोला कोई पासवर्ड डाल दीजिए, आपने कोई पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यदि पासवर्ड दिखाई देगा तो बगल में बैठा हुआ शख्स भी आपका पासवर्ड नोट कर लेगा और कंपनी को बाद में ओपन कर लेगा, इसलिए पासवर्ड दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है तो कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे दिया हमने, इंटर करेंगे। कोई भी पासवर्ड ले लीजिए, ऐसे आप पासवर्ड ले लीजिए। फिर बोल रहा है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा। बोला है यदि आपको फॉरगेटिंग करनी है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। कभी आप भूल रहे हैं तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन देगा जहाँ से आपकी कंपनी को वो दोबारा से ओपन कर देगा, यदि आप पासवर्ड भूल रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, यदि आपको नहीं देना है तो नो रखिए, इंटर इंटर इंटर, फिर ऐसे आप एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ये आपकी कंपनी पासवर्ड से लॉक हो जाएगी। यहाँ पर बोला रीलोड कंपनी, यस। यहाँ पर देखिए यूजर नेम मांग रहा है तो यहाँ पर वही नाम डालना है जो नाम आपने वहां पर टाइप किया था। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, तो पासवर्ड हमने दे दिया जो पासवर्ड डाला था, इंटर करेंगे, हमारी कंपनी ओपन हो गई है। इस तरीके से कंपनी को आप पासवर्ड देकर लॉक कर सकते हैं और कंपनी को फिर से ओपन कर सकते हैं। यदि आपको लॉक करना है तो आप लॉक कर दीजिए, लेकिन आप सेल्फ अपने ऊपर निर्भर होकर लॉक कीजिएगा, क्योंकि यदि कंपनी ओपन नहीं हुई तो उसकी आप जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। तो इस तरीके से आप कंपनी को पासवर्ड देकर लॉक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे प्रैक्टिकल आपको कंप्यूटर पर करके दिखाता हूं और ट्रिक के साथ बताता हूं। पूरा कंप्यूटर कोर्स मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता है मैं सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ, मैं कुछ वीडियो प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूँ जिससे कि वो वीडियो वही लोग देख सके जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद।